और यहाँ बच्चे देख रहे हैं डकी भाई का व्लॉग। वाहिद पाकिस्तानी ऐसे व्लॉगर हैं जिनका व्लॉग देखे ना इंसान परेशान हो वो भी हंस देता है। ये देखें जी, यहाँ से हम लेंगे पहले मैक्रोनी। बहुत ही मजेदार है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो चलें जी व्लॉग का स्टार्ट लेते हैं। तो आज मैंने कहा क्यों ना एक अलग तरीके से व्लॉग का स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकन लाजमी कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिएगा और कॉमेंट्स भी कीजिएगा। तो चलें जी व्लॉग का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो मेरे गले पर जो मैंने 3 दिन से चैन पहनी हुई थी ना, उससे देखे मुझे कितनी एलर्जी हो गई है। ये सारी यहाँ से ना मैंने उतार के फेंक दी है। मुझे आर्टिफिशियल चीजों से एलर्जी हो जाती है। अगर मैं नोज में डालूंगी तो उससे भी मुझे एलर्जी होती है और मेरा नोज जो है ना खराब हो जाता है। इस वजह से मैं ज्यादा चीजें ऐसी पहनती नहीं हूँ। नेकलेस हो गए ना, ये चीजें मैं ज्यादा पहनती नहीं। मैं भी बैठी थी अपनी अलमारी सेट कर रही थी, यहाँ पर कपड़े वपड़े सेट कर रही थी, तो अंदर मैंने देखा भाई दराज में कितना अच्छा हो गया है कि मैंने अपना मेकअप ही नहीं देखा, मेकअप को हाथ भी नहीं लगाया। मैंने वैसे ही मीरब जो है वही छेड़ती रहती है मेरे मेकअप को और वही सेट करती रहती है। तो मैं काशिफ से कह रही हूँ मुझे ड्रेसिंग टेबल लेने, बस अब ड्रेसिंग टेबल रह गया मेरा। जो मेरा अपना ड्रेसिंग टेबल शादी वाला था वो मेरा मैंने किसी को दे दिया था, हालांकि इतना अच्छा खासा था लेकिन वो घर शिफ्ट कर रहे थे तो मैंने किसी को ऐसे ही दे दिया। तो खैर मेरा दिल ऐसे ही हमेशा सबको मैं ऐसी चीजें दे देती हूँ। आज मैंने बनाई है काफी दिनों बाद मैक्रोनी और वो भी बहुत ही मजेदार बनी है। तो चलें लाते हैं प्लेट्स वगैरह, काशिफ को भी देते हैं, दस्तरखान बिछाते हैं, फिर हम खाएंगे मैक्रोनी। और यहाँ बच्चे देख रहे हैं डकी भाई का व्लॉग, और वो भी वो वाला जिसमें डकी भाई अपने बचपन की जो वीडियोस दिखाते हैं। यकीन करें बड़ा मजा आ रहा होता है डकी भाई की वीडियोस देखने का ना, वाकई बड़ा मजा आ रहा होता है। ये वाहिद पाकिस्तानी ऐसे व्लॉगर हैं जिनका व्लॉग देखे ना इंसान परेशान हो वो भी हंस देता है। इनके वर्ड्स इतने अच्छे होते हैं और सब चीज़ें, यानी कि तो अक्सर हम ज़्यादातर इनके व्लॉग्स भी देखते हैं, सबके ही देखते हैं हम तो, खैर ऐसा नहीं है, लेकिन डकी भाई के लाजमी देखते हैं। बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि डकी भाई का व्लॉग आए, तो इनकी बातें बहुत मज़े की होती हैं तो पंजाबी में बात कर रहे थे कभी कभी। मैक्रोनी हमने रख लिया दस्तरखान पर, साथ हमने केचप भी रख लिया है। हाँ जी आप पहले डालें, आप ट्राई करें तो बताएँ किस तरह के बनाए और मैं भी चखे बताती हूँ आपको कि किस तरह के बने। सबसे पहले मैं ट्राई करती हूँ। ये देखें जी, यहाँ से हम लेंगे पहले मैक्रोनी और अभी मैं आपको खा के बताती हूँ कि कैसे बने। बहुत ही मज़ेदार है। मैं जिस तरह खा रही हूँ मैं मास्क नहीं किया। बहुत ही यमी बने, बहुत ही ज़बरदस्त बने। आप लोग भी आएँ आके खाएं। तो चलें जल्दी से हम खाते हैं तो उसके बाद आपसे। तो चले मैं अपना मेकअप थोड़ा बहुत जो है ना वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। ये कुछ मेरे मेकअप का हाल है, सत्यानाश हुआ हुआ है, सब कुछ बिखरा हुआ है। और मेरी ज्यादातर लिपस्टिक जो है ना मेडोरा की होती हैं, कई जो बेटियां हैं ना इन्होंने फराग की हैं या किस टाइम की होती हैं। किस टाइम की कहाँ गई है बाजी, आप कहाँ गई हैं, किधर गई हैं आप? तो ये देखिए कितना डार्क कलर है, मैं आपको इसको स्वच करके दिखाती हूँ। मेरा पकड़ो, मैं आपको स्वच करके दिखाती हूँ। देखें कितना अच्छा कलर है और ये बहुत अच्छा लगता है लगने के बाद। और मेरा जो सबसे अच्छा जो मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन है ना वो एमिली का है और ये बहुत अच्छा है, मैट फाउंडेशन है। यकीन करें इसको लगा के ना आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाती है, आपको फेस पाउडर की भी जरूरत नहीं पड़ती। और मैं इसको लगा के फेस पाउडर बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ सारी लिपस्टिक मैंने निकाल दी है और फिलहाल मेकअप जो है ना मैंने सारा इसके अंदर रख दिया था। मैंने उसके बाद देखा ही नहीं कि मेरी चीज़ों को क्या हुआ है। नेल पॉलिश मेरी इतनी ज़्यादा थी, पता नहीं अब कहाँ चली गई है। मेरे ब्रश देखें क्या हाल हुआ है। ये मेरा बहुत फेवरेट ब्रश है और इतने महंगा वाला मेरा ब्रश है जो बच्चों ने ना, रेल टेक्निक है, आपको पता होगा, आपने ब्रांड सुना होगा इसके। मेरे पूरा एक सेट था ब्रश का और पता नहीं किधर गया ये। और साथ ये मेरी आईब्रो की पेंसिल है, लिप पेंसिल है, साथ है मस्का आईलाइनर। और ये मेरी ग्लिटर आई शेडो है जो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ, देखे मैं बीच में नजर भी आ रही। और ये ग्लिटर आई शेडो है, ये बहुत ज़बरदस्त ग्लिटर है, आप यकीन करें इसको लगा के ना इतना अच्छा सा आता है ना। लेकिन बात यही है ना कि ये मेकअप जो है ना फिर कभी शादी ब्याह पे जाना होना फिर ही होता है, घर में घर के तो नहीं बैठ सकते ना। और इसके अलावा जैकलिन हिल जो सबसे ज़्यादा मैं लगाती हूँ ना वो मैं ये लगाती हूँ। इसके देखें किस तरह से हाल हुआ हुआ है, ये बच्चों ने कर दिया है। इसकी जो ये शाइन वाले हैं ना ये मैं हाईलाइटर के तौर पर लगाती हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त है।
ये भी बहुत अच्छी है, इसका हाल देखें क्या हुआ है। और ये भी देखें, ये मैंने न्यू मंगवाई थी, अभी मैंने यूज़ नहीं की है, लेकिन ये कुछ इस तरह का इसका हाल है। और ये भी देखें, इसमें सारे कलर्स हैं कितने ज़्यादा। और उसके अलावा यहाँ देखें क्या खलार मचा हुआ है, हो 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 हो, हो। और ये देखें, ये है वो वाला आईलाइनर जो आप आईलैशेस को लगाने के लिए भी लगाते हैं, मैजिक आईलाइनर जिसे कहते हैं, बहुत चला था। मैंने इसके 2-3 पीस मंगवाए थे, लेकिन मुझे ये बेकार लगा, क्योंकि ये वो हो जाता है, खुश्क हो जाता है, ये लगता नहीं, एक दफ़ा यूज़ किया उसके बाद खुश्क हो गया, पर ना छोड़ो। और सबसे फेवरेट ये देखें, ये लिपस्टिक बहुत अच्छी होती है हुदा की ना, ये 5-in-1 लिपस्टिक है और ये बहुत अच्छी लगती है, उसकी स्मेल इतनी खूबसूरत, इतनी मज़े की है ना कि बंदा खा जाए इसको। फातिमा बीबी ये देखें, ये हाल होता है मेरी लिपस्टिकों का कुछ इस तरह से, ये हाल जो है ना ये बीबी करती हैं, बंद करो इसको। ये भी मैंने पूरा एक पैकेट मंगवाया था नेक्स का, NYX का जो है ना पूरा डब्बा मंगवाया था मैंने, उसमें पूरी 12 थी। तो जिन जिन की तो बेटियां हैं ना, उनके मेकअप का कुछ ऐसे ही हाल होगा, जिनके घर में बेटियां होती है ना, उनके मेकअप का कुछ ऐसे ही हाल होता है। लिप ग्लॉस ये भी बहुत अच्छा है, मैंने एक दफा यूज किया, इतना अच्छा है, ज्यादा यूज ही नहीं कर पाई। अच्छा, लिप ग्लॉस में ज्यादा यूज ही नहीं करती, मुझे पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते। और ये देखे, ये वो स्टिक है जो मैंने ली थी इंतजार मार्केट से, और ये किसी ब्रांड की स्टिक है, और ये मैंने तकरीबन ली थी बहुत ज्यादा, और ये इतनी बकवास है, इतनी बकवास है कि मैं बता नहीं सकती आपको, मैं दिखाती हूँ इतनी बकवास है, ये लगने के बाद ऐसे अजीब सा हो जाता है, फट जाती है, और 2000 की लेके क्या फायदा, कोई फायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद ये देखें जी, मेरा ब्लू कलर का काजल जो मैं नहीं लगाती, बस लेने का शौक था, लगाती नहीं। और ये है मेरी मिस्र वसी लिपस्टिक, ये भी बहुत अच्छी है, इसके एक साइड पे लिप लाइनर होता है, लिप लाइनर खत्म कर दिया बच्चों ने, और एक साइड पे लिपस्टिक होती है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होती है, बाकी इसके अंदर सब कचरा है। अच्छा, किस टाइम की लिपस्टिक बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, मुझे सबसे ज्यादा मडोरा की अच्छी लगती है, सबसे पहले नंबर पे मडोरा की। हटो फातिमा, तो आप ऐसा करते हैं ना, इस खिलार को ऐसी डाल देते, क्योंकि ये खिलार जब सही होगा, जब हमारा आएगा ड्रेसिंग टेबल, ये अंदर चला गया, उसके अलावा ये हमारी फैरा लगी, हम कभी कभी यूज करते हैं। चलें जी, अब हम नीचे से लाते हैं, ये देखो इसके अंदर ये ब्रशेज हैं जो मुझे गिफ्ट आया था, मैंने आप लोगों के साथ शो भी किया था, ये गिफ्ट देखें, ये ब्रशेज मेरे पास पहले भी थे, तो अभी देखें मैंने यूज़ भी नहीं किए, देखें इसके ऊपर रैपर वैपर सब चल, ये मैंने यूज़ नहीं किए, तो मैंने सोचा हुआ है कि जब मैं ड्रेसिंग टेबल लूँगी ना, तो उसके ऊपर अच्छा सा जिसके अंदर आप वो एक होल्डर होता है जिसके अंदर ब्रशेज रखते हैं ना, उसके अंदर डाल के पतली हो जाती है। उसके अलावा इसके अंदर है, ये भी मुझे गिफ्ट आया था, सुनीसा फाउंडेशन, ये मुझे अच्छी नहीं लगी, इसके साथ ये बहुत ज़बरदस्त है, मैं इससे आम फाउंडेशन अपना यूज करती लगाती हूँ, तो बहुत अच्छा है इसमें। हाँ, ये भी काफ़ी है, ये देखें ये वाले भी हैं। उसके अलावा ये मेरी नेल किट है, ओरिजिनल नेल किट, मेरे लिए सही है, खराब कर दी है, सही है, मैंने दोबारा यूज़ ही नहीं की है, तो इसकी देखूँगी, अगर ओरिजिनल ख़त्म हो गई तो मैं ऑनलाइन दराज से मिल जाती हूँ, मंगवा सकती हूँ। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर हैं नेल्स, और नेल्स की कलेक्शन देखें कितनी ज़्यादा है। हाँ, तो सबसे पहले ये देखें ब्लैक जेब्रा वाले, उसके बाद ये भी ब्लैक हैं, ब्लैक एंड वाइट के बहुत अच्छे हैं, और ये है न्यूड कलर के, ये आपके नॉर्मल जैसे आपके नेल होते हैं ना उस तरह के, और ये हैं ब्लू कलर के, इनके जो ये बीच में मिस हुए हैं ना ये अंदर ही, और ये हैं पिंक कलर के, और ये हैं रेड कलर के और वाइट कलर के, और ये मल्टी कलर के हैं, नज़र आ रहे हैं आप, और ये पिंक कलर के बहुत खूबसूरत हैं, कहीं से दिखाओ, ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और एक न्यू कलर की ये है, ये अभी बिल्कुल यूज़ नहीं किए, बिल्कुल पैर के लिए, और अभी और भी थे ना मार के में। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर भी देखें मेरी मेडोरा भी कितनी ज़्यादा अच्छी है, नज़र आ रहा है, ये मेरी मेडोरा की लिपस्टिक है जो मैंने अभी यूज़ नहीं की है, ये मैंने मंगवा के रखी थी, मैंने कहा अपने ड्रेसिंग पे सजाऊंगी, तो ड्रेसिंग में नहीं आया, आपको कलर दिखाती हूँ इनके, ये ऑरेंज कलर है, नज़र आ रहा है, बहुत प्यारा कलर है, और ये थोड़ा सा उसको क्या कलर बोलेंगे, पिंक पिंक सा है, पिंक ब्राउन सा है, और ये मरून कलर है, मरून बहुत अच्छा होता है इसका, और ये भी वो पिंक कलर सा है, और ये ब्राउन कलर है, ये डार्क ब्राउन है,
देखें बिल्कुल नई की नहीं है, देखें बिल्कुल नई अभी यूज नहीं की है। और इसके अलावा ये भी मरून है, ये पर्पल टाइप का थोड़ा सा पर्पल है, आपको मैं लगा दूँगी, ये पर्पल है नजर आ रहा है। और उसके अलावा ये भी पर्पल ही है, ये गोल्डन कलर था ना, इसमें बहुत अच्छा था ना, वो भी अंदर ही। ये देखें ये गोल्डन है, इसको आप हाईलाइटर के तौर पे भी लगा सकते हैं। क्या हुआ, क्यों होता है नहीं नहीं ये वो होता है, आप लिपस्टिक लगा के ना उसके ऊपर लगा के ब्लीच है, उसके लिए होता है, थोड़ा सा आपको ग्लो दे देता है, और हाईलाइटर के तौर पे भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा ही है। अच्छा जी, इसके अलावा इसके अंदर मेरी हाईलाइटर है, और ये वाली एक चीज गिफ्ट आई थी, ये भी इसके अंदर है, ये दिखाओ करीब से दिखाओ, ये मैंने अभी यूज नहीं की है। इसके अंदर ये देखिए फोर पोर्शन है, अलग अलग कलर के हैं सारे, ये ग्रीन है, ये ग्रीन कलर का है, उसके बाद ऑरेंज कलर का है, फिर ब्लू है, फिर पर्पल है, नजर आ रहा है सारे, तो ये भी बहुत अच्छी है। ये देखिए ये कुछ मेकअप है, कुछ मेकअप मेरा इसके अंदर भी है, जो मैं आम रूटीन में अक्सर कहीं जाती हूँ ना तो लगाती हूँ, वो मैंने इसमें रखा हुआ है, उसको रहने दे, उसका खस्ता हालत हुई है जो, क्योंकि मैं यूज करती रहती हूँ, तो बस अभी इससे पहले कि फातिमा हमारी जो है ना मेकअप का सत्यानाश करते हैं, तो इस मेकअप को रखते हैं हम वापस अंदर, तो इंशाल्लाह पर दुआ करें मेरे जल्दी से ड्रेसिंग टेबल आए, तो मैं अच्छा सा सजाऊं, और मैंने जो मेकअप की चीज़ें और थोड़ी सी सोची हुई है लेने के लिए, और मैंने ऑनलाइन तो जगह भी देखी कहाँ से मैंने मंगवानी है, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑनलाइन मंगवाती हूँ, जल्दी से मेरा अब मैं मेकअप इसलिए भी नहीं ज़्यादा मंगवा रही, पहले मैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर पे मंगवाती रहती थी, काशी मुझे गुस्सा करते रहते थे कि तुम इतना मेकअप मंगवाती हो, ऑर्डर रोज़ तुम्हारा ऑर्डर कोई ना कोई आ रहा होता है, तो अब मैंने थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि जगह रखने के लिए ऊपर से बच्चे ख़राब कर रहे हैं मेरा मेकअप इतना ज़्यादा, तो मैं कह रही हूँ कैसे पैसे ज़ाया हो रहे हैं, इंशाल्लाह जब मेरा ड्रेसिंग आएगा ना तो फिर मैं इसको भी सजाऊंगी अच्छा करके, और हम और ज़्यादा मेकअप भी लेंगे। तो चलिए जी, मैंने कहा थोड़ा सा आपको मेकअप की कलेक्शन दिखाती हूँ, जो मेरी बहनें देख रही होंगी उनको हमने थोड़ा सा मेकअप दिखाना था, बाकी कुछ और चीज़ें हैं, बाकी हर चीज़ है, लेकिन कुछ मिस हो गई है तो फिर क्या कर सकते हैं, फेस पाउडर ख़त्म हुआ है मेरा, वो मैंने लेना है अभी फिलहाल, मैं वैसे भी नहीं लगाती फेस पाउडर। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरी मेकअप की कलेक्शन भी अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी थी लेकिन अच्छी थी, और ये कि बस थोड़ा सा खलार डला हुआ था, इस खलार को भी समेट लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ एक बटन होता है बेल आइकन का, उसको प्रेस कीजिएगा, तो बस दो में याद रखिएगा, ज़्यादा कोई कीजिएगा, चले जी मिलेंगे नेक्स्ट लोगों, तब तक के लिए जाते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।